हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मोदी साहब ने जब कल 15 अगस्त था, तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाइयाँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे हमारे मोदी सर ने बहुत सारी बातें कही है, तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो उनका डायरेक्ट किस किस शेयर्स को प्रॉफिट हो सकता है, उन सभी से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो पे चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि सबसे पहली वीडियो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इन द कमिंग 1000 डेज एवरी विलेज इन द कंट्री विल बी कनेक्टेड विद द ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये टेक्निकल से रिलेटेड है, मीन्स इंटरनेट से रिलेटेड है, ताकि सारे के सारे विलेज अपने हिंदुस्तान में जितने भी विलेजेस हैं, क्योंकि आपको पता है फाइबर से शहर तो कनेक्टेड हो गए हैं बट अपने गांव नहीं हो पाए। तो फाइबर से आने का मतलब ये हो जाएगा कि हमारे इंटरनेट में बहुत ज़्यादा हमें क्रांति देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा हमारा स्पीड देखने को मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि 1000 डेज, मतलब विद इन 1000 डेज, मतलब 3 साल के अंदर अंदर वो सभी गांवों को जितने भी भारत में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब पूरा जो अपना भारत है, उस सबको कनेक्ट कर देंगे विद ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स के कुछ शेयर्स हैं जिनको सीधा इन इससे फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिस्ट निकाली है शेयर्स की जो केबल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पॉलीकेब कैब, स्टेडियो टेक्नो, फेनो फिनोलेक्स केबल, यूनिवर्सल केबल, बिरला केबल। तो यहाँ पर मल्टीपल केबल से रिलेटेड, फाइबर केबल से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स, यहाँ पर हैथवे हो गया, तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर लिस्टेड है। तो आप एक बार जाके चेक करिए, अपनी स्टडी करिए और अपनी स्टडी के हिसाब से इन शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में रख के आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनमें आपको कल की डेट में भी जब मार्केट ओपन होगा तो छोटा मोटा जंप जरूर देखने को मिलेगा, और ये आगे चल के इनके प्राइस भी बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे कि मोदी सर ने कहा है 1000 डेज के अंदर अंदर ये सभी विलेजेस को कनेक्ट कर देंगे विद ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इन पे की तरफ आप इस न्यूज़ की तरफ और इससे रिलेटेड शेयर्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोदी सर ने कल बात करी थी कि हमारे किसानों से रिलेटेड, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने बहुत कुछ ऑलरेडी किया भी है और आगे भी होने वाला है। तो इसके अलावा आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी शेयर्स है, एग्रीकल्चर्स में टी भी आता है, ओके। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, केमिकल्स भी आते हैं, ओके, क्रॉप साइंस भी आता है, एग्रोटेक भी आता है, तो ये पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, तो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, तो इन सब से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं इन इससे जो रॉ मटेरियल है ये भी बहुत इससे रिलेट करता है। तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, ओके, और स्पेशली क्योंकि मोदी सर ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत, तो जो इंडिया से रिलेटेड कंपनी है उन पर ज़्यादा ध्यान दें, तो आपको डेफिनेटली आगे चल के इन शेयरों में भी उछाल कल देखने को मिल सकता है, और इन शेयर में भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस से रिलेटेड बात बोली है, क्योंकि कुछ टाइम पहले, मतलब 3-4 दिन पहले ही राजनाथ सिंह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि 101 इम्पोर्ट जो हमारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं उन पे परमानेंटली वो बैन कर देंगे, ओके, और वो सारी की सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बनाई जाएगी। तो डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर अपने हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, भारत एरोनॉटिक लिमिटेड, रिलायंस नेवल, BEML लिमिटेड, मिश्र धातु और गार्डन रीच शिवपुरा। तो जैसे कि हम एक एक करके एक बार देख लेते हैं, भारत फोर्ज, तो आप देखेंगे तो विद इन 5 डेज जब ये न्यूज़ आई थी तो ये शेयर लगभग 416 रुपये का चलता था और आज 495। तो विद इन 3 to 4 डेज में ही लगभग 70 to 80 points का जंप यहाँ पर देखने को सीधा मिल रहा है। तो इन शेयर्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, 5 डेज पहले ये लगभग 1000 रुपीज़ पर चलता था, बट आप देख रहे हैं 300 रुपये का, लगभग 300 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर यहाँ पर जंप देखने को मिली है, क्योंकि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड
डिफेंस सेक्टर में काम करती है, जैसे कि आपको देखा एरोस्पेस प्लस में डिफेंस। और कल एक मोदी सर ने एक और बात बताई थी कि वो तेजस को अपग्रेड करेंगे, तेजस को अपग्रेड करेंगे ताकि जो अभी हमारे पास तेजस है वो अपग्रेडेड नहीं है, तो धीरे धीरे उन्हें अपग्रेड करेंगे। तो तेजस कौन बनाता है? तो ये कंपनी डायरेक्ट तेजस को बनाती है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये शेयर काफ़ी अच्छा है, और डिफेंस पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी बहुत एग्रेसिव हो गई है और बहुत अच्छा उसके ऊपर खर्च कर रही है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि हमारे हमारे जो आसपास की कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान और चाइना, वो सिरदर्द बने हुए हैं, वो कभी भी हमसे किस हमारे सैनिकों को हमारी LOC को कभी LAC पे आके इस तरीके से हमला करते रहते हैं। तो डिफेंस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और डिफेंस मजबूत रहेगा तो देश ऑटोमेटिकली मजबूत रहेगा। इसके कारण बाहर की कंपनियां भी आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा देश कितना मजबूत है, उसे कोई हिला नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं देश आगे भी बढ़ेगा। तो इसके लिए डिफेंस पे खर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो डिफेंस पे खर्च करने के लिए ये जो अपनी हमारी सारी कंपनीज है, जैसे कि भारत फोर्ज हो गया, और अभी मैंने HAL हिंदुस्तानी एरोनॉटिक लिमिटेड बताया था, इसके अलावा भारत डायनामिक लिमिटेड हो गया, ये सारी कंपनीज में आपको जैसी न्यूज़ आई थी तो अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। तो आप इन सभी न्यूज़ की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब L&T की बात कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे L&T में मैंने डिफेंस का कहाँ से नाम ले लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ L&T एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करती है, एज वेल एज ये डिफेंस में भी काम करती है। आप विकीपीडिया पे जाएंगे और देखेंगे कि ये किस किस चीज़ में डील करती है, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी L&T डिफेंस में भी डील करती है। तो आप देखेंगे तो 5 डेज में क्या है? इसने भी बेहतरीन लगभग 40 पॉइंट्स की जंप आपको यहाँ विद इन 5 डेज में दिखाई गई है, और फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है और निफ्टी 50 का भी पार्ट है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शेयर है इसका भी, इसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डिफेंस में भी काम करती है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि कल न्यूज़ आई थी, और ये मिश्र धातु निगम, सॉरी यहाँ पर ले लेते हैं मिश्र धातु निगम, ये भी एक डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बट सबसे डिफेंस की जो अच्छी कंपनीज है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। विकीपीडिया पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर ये सारी कंपनीज ये बनाती है। इसके अलावा भारत फोर्ज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कल की न्यूज़ जब आई थी तो कल PM मोदी ने हमें बताया था सिंपल कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो 1 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाले, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का अच्छा होगा, अपने यहाँ सड़कें अच्छी होगी, अपने सभी गांव शहरों से बाई रोड अच्छी तरीके से कनेक्ट होंगे। जैसे कि आप देखते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इतना खास है नहीं, तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया है। और 1 लाख करोड़ रुपीज़ का उन्होंने पैकेज की घोषणा भी करी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च करेंगे, और ये रोड पर ही नहीं, पोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, और इसके अलावा सी पोर्ट्स हो गए, तो ये सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर बहुत भारी खर्च, 1 लाख करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इसका पैकेज की घोषणा भी करी है। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स में आपको कल की डेट में काफ़ी, और कल की डेट में इससे पहले भी काफ़ी आपको उछाल देखने को मिल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे कि लार्सन हो गया, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डिफेंस एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, अदानी पोर्ट्स, सीमेंस, ABB इंडिया, तो ये GMR, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि विदाउट सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, आपको भी पता है। तो उसके साथ साथ ये जो इसका रॉ मटेरियल है सीमेंट्स, तो इनकी कंपनियों में भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है, तो इनकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। अभी कुछ आज आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर कुछ बेस्ट कंपनीज भी है, आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो डेफिनेटली वो शेयर में भी आपको जंप दिखा दे सकता है, क्योंकि सीमेंट का रोल एक रॉ मटेरियल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो आप इसकी तरफ भी ध्यान से दे सकते हैं इनके साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम ले दिया तो सिर्फ केवल सड़क और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं होता, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं उस चीज़ का, उसके पीछे कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सीमेंट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, जैसे इस सब चीज़ की पेंट्स भी चाहिए, तो
तो इन सभी रॉ मटेरियल्स पे भी ध्यान देना होता है, तो ये रॉ मटेरियल्स में भी आपको जंप दिखाई दे सकती है। तो मोदी सर ने काफ़ी अच्छे अच्छे ऐलान किए हैं, तो जिस वजह से और भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है, तो जो भी इंडिया से रिलेटेड कंपनीज हैं काफ़ी अच्छा उन्हें फ़ायदा हो सकता है। तो आप इन शेयर्स की तरफ ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सबके साथ शेयर के साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।